नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। राजनीति में कहा जाता है कि हर बात आपको तोल मोल कर कहनी चाहिए, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके लिए आप खुद कटघरे में आकर खड़े हो जाएं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण असुद्दीन ओवैसी ही होंगे। सबसे पहले आप इन ट्वीट्स को देखिए, गौर से देखिए। इसमें ओवैसी साहब ने एक बात साफ लिखा है कि वो 100 सीटों पर ओपी राजभर के साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात उन्होंने ट्वीट की, उधर से ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई, वो भी आप सुनिए। कि जो ये बयान चल रहा है, ये गलत न्यूज है और ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे, अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। यहाँ पर राजभर साहब ने ओवैसी की कही हुई बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सीट की कोई बात ही नहीं हुई है, सीट शेयरिंग पे फिलहाल कोई भी समझौता नहीं हुआ है। तो जहां राजभर साहब ने इस बात को सिरे से नकार दिया, वहीं ओवैसी ने भी इस पूरे मामले में, इस पूरे बयान पर यू टर्न ले लिया। क्या कहा ओवैसी साहब ने, वो भी आप सुनिए। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है, हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम MIM पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले कॉन्स्टिट्यूएंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए, मगर हमारा तो क्या हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। इससे पहले BSP और ओवैसी के पार्टी के गठबंधन की खबरें भी सामने आ रही थी, तो मायावती ने बिना देर किए इस बात का खंडन कर दिया कि BSP किसी भी पार्टी के साथ नहीं है और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो देखिए ओवैसी ने क्या कहा। तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने काम में मसरूफ है, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। अब राजनीति में अपनी बात से मुकर जाना और यू टर्न ले लेना कोई नई बात तो नहीं है, वैसा ही ओवैसी ने भी किया। फिलहाल यूपी के तमाम बड़े खबरों के लिए आप यूपी तक जरूर देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।